देखिए, हमारी सरकार अपने काम के आधार पे वापसी करेगी। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, चुनाव के पहले सिर्फ धर्म 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 के नाम पे लड़ाना उनका एकमात्र एजेंडा है, पोलराइजेशन करना। और कैसे हम यहाँ पे माहौल को खराब करें, कैसे पार्टी को तोड़े, कैसे प्रत्याशियों को तोड़े, कैसे जाति धर्म के आधार पर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करें, एकमात्र एजेंडा उनका पिछले बहुत सारे सालों से चल रहा है। लेकिन हमारी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, इतने सारे एजेंट मैंने जो उनके लिए योजनाएं लॉन्च हुई है आप देख सकते हैं, और उनको किस तरह से धरातल पर उतारने की कोशिश, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव, शहर रांची शहर की बात करें तो कितनी जल्दी माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिया। उन्होंने कहा हम एक दर्जन बनाएंगे क्योंकि जाम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं शहर को, हम यहाँ राजधानी में आना चाहते हैं, इसलिए आना चाहते हैं। मैं तो राज्यसभा में हूँ, मेरा तो वहाँ आराम से हम वहाँ बाकी हम 4 साल बिता सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी पार्टी अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाई है तो मैं ये राजधानी सीट जीतूँ और जीत कर मैं यहाँ के लिए काम करूँ। ये राजधानी राजधानी नहीं लगती, आप देखिए ना चारों तरफ गंदगी, सड़कें वैसे टूटी फूटी, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नदारद है। यहाँ जो विधायक रहे 30 साल तक, जिनको भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें जनता ने विश्वास करके चुना, उन्होंने क्या किया? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इन 24 सालों में लगभग 7 विधायक रहे, उन्होंने 7 सांसद रहे, विधायक तो एक रहे लेकिन सांसद 7 रहे, उनके मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनकी इतने सारे पार्षद रहे हैं, कई कई मुख्यमंत्री रहे, 17-18 साल तक उनकी सरकार रही, इतने मंत्री रहे, केंद्र की सरकार उनकी थी तो उन डबल इंजन की सरकार भी रही, तो आखिर उन्होंने किया क्या इस शहर के लिए, इस राजधानी के लिए? हम लोग उसमें बदलाव लाना चाहते हैं और जनता भी समझ चुकी है, इस बार जनता खुद बदलाव चाहती है और वो हमारे प्रति विश्वास जताती है। आपके जो ओपोनेंट हैं सीपी सिंह बीजेपी से 7 बार इस बार फील्ड में है, लगातार जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं हारे नहीं है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है आपके इस एरिया में जहां आप कंटेस्ट कर रही हैं, तो लगता है कि उनके वोट बैंक में उनके वोट बैंक में पेनिट्रेट करना, उनकी सीट पर कब्जा करना आसान रहेगा? देखिए, उनके सामने कोई ऐसा खड़ा भी नहीं हुआ था कभी जिनके प्रति जनता को विश्वास हो। मैं पिछली बार मुझ पर विश्वास करके बहुत अच्छा वोट मुझे दिया जनता ने, उससे पार्टी को भी ये भरोसा हुआ कि नहीं मैं ही यहाँ से खड़ी होकर चुनाव जीत सकती हूँ और मुझे टिकट दिया गया। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आए, ऐसी पार्टी के का प्रत्याशी आए जो जनता के लिए एक्चुअल में काम करना चाहे, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं और सिर्फ ऐसे ही घूम के समय बर्बाद करना नहीं। एक सवाल है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन कराने के लिए, उनका कहना है कि एफिडेविट में इन्होंने अपनी पेज को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर गलत जानकारी दी है। देखिए, बीजेपी तो हर तरह का तिकड़म भिराती है, मैंने कहा ना कि उनको विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो पीठ पीछे ही छुरा भोंकने का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, ये चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जीत के यहाँ सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन और QCCI यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होगा, इस पर काम चल रहा है, इस पर प्रयास जारी है। देखिए, 10 साल उन्हें समय मिला और इस बीच ऐसा कुछ भी परिवर्तन इस देश में नहीं हुआ। UCC तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, खास तौर पर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी अपनी परंपरा है, अपने रीति रिवाज हैं, उनकी स्वायत्तता पर हमला नहीं कर सकते, आप अपने कुछ थोप नहीं सकते, ये गलत होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैम, बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नॉमिनेशन को लेकर, उनके कैंडिडेचर को लेकर इलेक्शन कमीशन गई है, उनका कहना है कि एफिडेविट में इन्होंने अपनी एज के बारे में और अपनी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी दी है, इसलिए उनकी जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, बीजेपी तो अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के काम करती है, ये टेक्निकल बातें हैं तो ये वहां से तय होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारे इंफॉर्मेशन सही है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।